إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحمين. <applause> و ناظرین السامين وناذرين. الله تبارك وتعالى كي بانتهاء رحمة और उसका अजीम एखसान है कि उसने अपने भूले भटके बंदों को अपने दर पर पलटने और अपने दर से नवाजने के मुख्त बहाने मकर फरमाए जैसे अल्लाह तबारक व अपनी हिकमत के मुताबिक तमाम इंसानों को बराबर पैदा नहीं किया हज़रा अम्बिया इकराम अल मसलातम को तमाम बनी आदम में ख़ुसूसी शर्फ़ अता फरमाया और उनके बाद हज़रा साहबा इक्राम रिजवान तार अजमाइन और उनके नक्श क़दम पर चलने वालों को मुख्तलिफ़ मरात और बुलंद दर्जात अता फरमाए इसी तरह अल्लाह तबारक व ताल रोए ज़मीन के तमाम टुकड़ों को तमाम जगहों को यकसा नहीं बनाया कुल रोए ज़मीन में जो मर्तबा और जो मकाम अल्लाह इज़्ज़त ने हराम मक्का को और हराम मदीना को और मस्जिद अफसा को अता फरमाया है वो किसी दूसरी जगह को हासिल नहीं है और इन तीन मसाजिद के बाद रुए ज़मीन के अंदर अल्लाह ने जो मरतबा और जो मकाम और जो इज़्ज़त और जो शर्फ़ मसाजिद को अता फरमाया है आम ज़मीन इससे मरूम है जिस तरह अल्लाह तबारक व तैने ने इंसानों के अंदर मख्तलिफ़ दर्जात रखे ज़मीन की अंदर मुख्तलिफ़ दर्जात रखे, रखे इसी तरह अल्लाह तबारक वाली ने ज़ुमानों में भी कुछ अवकात को अहमियत शरफ़ और फ़जील अता फरमाई है और उन अवत को खास अपने कुरब के लिए अपनी नफरत और बख्श का जरिया बनाया इन अवकात में से एक रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के बाद फिर हज्जा के इब्तदाई दस दिन हैं कि जिनको अल्लाह तबारक वाली ने ख़ास फजीर अता फरमाई है इस्लामी कैलेंडर के अतबार से लहज़ा साल का बारवा और आखिरी महीना है और लज्जा के ख़त्म होते ही साल जो है वो खत्म हो जाता है इस्लामी साल क़मरी साल का अख्ताम हो जाता है और फिर मुहर्रम से इस्लामी साल की इब्तदा होती है इस्लामी साल के महीनों की जो तरतीब है वो इस तरह से है कि सबसे पहले मुहर्रम है और उसके बाद फिर सफ़र फिर रबी अलावल रबी षानी जमादी अला जुमदी यासानी रजब शाबान रमज़ान शवाल जुल्कादा और लिज्जा जा ये अरबी ज़ुबान का जुमला है जिसके अंदर दो अल्फ़ाज़ हैं दो लफ्ज़ों का मजमू है एक है ज़ू और दूसरा है अलज्जा ज़ू का माना वाला आते हैं वाला और अरबी कायदा के लिहाज से कभी इसको ज़ू पढ़ते हैं और कभी ज़ी जो है उसका इस्तेमाल होता है इसी वजह से कभी ज़ुल हिज्जा कहते हैं और कभी जिल हिज्जा। दोनों तरह से इस महीने को पुकारा जाता है और अलहिजा का माना हज करने के आते हैं तो हिज्जा के माना हुए हज करने का महीना क्योंकि इस महीने के अंदर हज की अदायगी की जाती है और हज इस्लाम का एक अहम तरीन और एक अजीम शान रुकन है लिहाजा इस महीने के साथ हज की अदायगी का ताल्लक़ होने की वजह से इसको ज़ा या जिल हिज्जा का महीना जो है वो कहा जाता है इंसान की ज़िंदगी का एक साल मुकम्मल होने पर उसे चाहिए कि वह अल्लाह तबारक व तारा का शुक्र अदा करे और पूरा साल जो गुज़रा है अपने उस गुजरे हुए साल का जायज़ा ले कि मैंने ये साल किस हाल के अंदर गुजारा है इस पूरे साल के अंदर मैंने अपनी आख़रत के लिए क्या ज़खीरा जमा किया अल्लाह तबारक ताला की नाफ़रमानियों से मैं कितना बचा अगर इसको अपनी आमाल के अतबार से अच्छी हालत नज़र आए तो उसे उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए और बुरी हालत नज़र आए तो उसको उसके ऊपर इस्तफ़ार करना चाहिए और आइंदा के लिए ये आज़म कर लेना चाहिए कि मैं अपनी इस बुरी हालत को अच्छी हालत से तब्दील करने की कोशिश करूँगा इस महीने के अंदर हज की अदायगी के साथ साथ इस्लामी त्योहारों में से बड़ी ईद एद जिसको ईद अजहा कहा जाता है वो भी इस महीने के अंदर मनाई जाती है और इस ईद अजहा के मौका पर दुनिया के अंदर करोड़ों इंसान अल्लाह तबारक व तै की बारगाह के अंदर कुर्बानी का नजराना पेश करते हैं अजहा मुसलमानों का दूसरा बड़ा अज़ीमशान त्योहार है जिसके लिए ल्जा का महीना मुकर किया गया है इसके अलावा दूसरी जो ईद है जिसे छोटी ईद हम अपनी इस्तिलाह के अंदर कहते हैं फितर, जो रमजान मुबारक के महीने के अख्ताम पर शवाल के महीने की यकम तारीख को अदा की जाती है और वो ईद अल्लाह तबारक व तै की तरफ से बंदों के हक़ में मेहमानी का दिन होता है इन दोनों ईदों के मौका पर अल्लाह इज़्ज़त अपने बंदों के मेज़बान होते हैं और बंदे अल्लाह इज़्ज़त के मेहमान बनते हैं जो बहुत बड़ी एजाज़ वाली बात है लहज़ा का महीना बहुत बड़ी अजमत और फजीलत वाले महीनों में से है और इस महीने के अंदर भी फिर ख़ास तौर पर जो पहला अशरा है ज़िलहज़ा के पहले जो दस दिन हैं

أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فما مہینوں کی گنتی کے اعتبار وتعالى اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے اسمان اور زمین इन में चार महीने अजमत के हैं जालिका दीन अल-क़य्यिम यही है सीधा दीन فلا تظلموا फ़ीहिन्न अन्फुसकुम इसलिए तुम इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म मत करो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रवायत करते हैं फरमाया प्यारे हज़्ज़तुल विदा के मौका पर अपने खुद में बेसाद फरमाया कि इस वक्त ज़माना उसी हालत पर घूम फिर करके आ गया है जिस दिन अल्लाह तबारक व तमीन व आसमान को, को पैदा फ़रमाया था अब इसके दिनों और महीनों में कमी ज्यादा नहीं जो जाहलीत के जमाने में मुशर किया करते थे बल्कि अब वो ठीक हो कर के उसी तर्ज पर आ गई है जिस पर इब्तद और असल में थी लिहाजा फरमाया कि एक साल असना तो इस ना नशार शाहरा महा अरबात एक साल 12 महीने का होता है और इन 12 महीनों में चार महीने हुरमत और इज्जत वाले सलासु मुतवालियातुन जुलकादति वुल हिज्जति वल मुहर्रम और रजब मुजर الذي بين جمادى وشعبان फरमे इन इन में चार महीने हरमत इज्जत वाले हैं जिनमें तीन महीने मुसलसल हैं आगे पीछे जुल्कायदा, हिजा और मुहर्रम और एक रजब का महीना है कि जो जुम्दी और, और माए शाबान के दरमियान में वाक़ ऐसी करीमा में और प्यारे प्यार पेगम की हादी से मुबारक से ये वाज होता है कि इन महीनों की जो तरतीब है महर्रम रजब ऐदा और जुलहिज़ा वह इंसानों की अपनी बनाई हुई नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तै ने जिस दिन आसमान और ज़मीन पैदा किए थे उसी दिन से ये तरतीब और इनके साथ ख़ास महीनों के ख़ास अहकाम भी अल्लाह इज़्ज़त ने मुतिन फ़रमा दिए थे तो इसलिए इन अहकाम को इन महीनों के मुताबिक रखना ही दीन मुस्तकीम है और इन में अपनी तरफ से कमी और ज़्यादाती करना तरमीम और तब्दील तब्दीली करना मैं के ये फैम और सोच के नाकस होने की निशानी है और इन महीनों में इनके अंदर मुतिन अहकाम और अहतराम की ख़िलाफ़ वर्जी करना अल्लाह तबारक व तै की फरमा को छोड़ देना गुनाह करना इबादत में कोताही करना ये अपने ऊपर करना है जितने भी अम्बियाली आए हैं तमाम अम्बियालीसलातलाम की शरीयतों में साल के बारह महीने माने जाते थे और उनमें से चार जुल्कायदा, जब मुहर्रम और रजब के महीने बड़े मुबारक और बड़ी फ़जीलत और अजमत और शराफ़त और एजाज़ इक़राम और अहतराम और वाले महीने समझने जाते थे तमाम अम्बियात की शरीयतें इस बात पर मुतफ़ हैं कि इन चार महीनों में बंदा जो इबादत करता है तो उसकी हर इबादत का सवाब बढ़ाया जाता है उसका सवाब ज्यादा होता है और इसी तरीके से जो इंसान इन महीनों के अंदर कोई गुनाह का काम करता है तो उस गुनाह का बबाल भी ज्यादा होता है प्यारे वसल्लम से पहले जो शरीय थी उन शरीयतों में इन महीनों के अंदर जिहाद और कितार करना मना था और इन चार महीनों को अशहरे हुरम यानि अजमत और अहतराम वाले महीने कहा जाता था और इन चार महीनों को अज़मत और अहतराम वाले महीने दो वजह से कहा गया एक तो इस वजह से कि इन महीनों में जहाद व किताल हराम था और दूसरे इस वजह से कि यह महीने अजमत और फजीलत और अदब व शराफ़त वाले थे इसलिए इनका अहतराम ज़रूरी था और इन महीनों में इबादत का स्वबा जो है बाकी महीनों के मुकाबले में ज्यादा मिलता है इन दोनों में से पहला हुक्म यानी जिहाद और किताब का मना होना तो शरीय इस्लामी में मनसूख हो गया और अब जो है इन महीनों के अंदर जिहाद और कताल करना जायज़ और दूसरा हुकम कि अदब और अहतराम और इबादत का अहतमाम अब भी इस्लाम में बाकी है कि इन महीनों का अदब और अहतराम किया जाए और इनके अंदर इबादत का अहतमाम किया जाए इमाम अबू बकर अब वक़्त जसास रहमत ला तफसीर कुरान में फरमाते हैं कि इन मतबरक महीनों का ख़ासा ये है कि इन, है कि इन जो शख्स कोई भी इबादत करता है उसको बकिया महीनों में भी इबादत की तोफ़ी और हिम्मत होती है हमें इसी तरह जो शख्स कोशिश करके इन महीनों में अपने आप को गुनाहों से और बुरे कामों से बचा ले तो बाक़ी साल के महीनों में उसको इन बुराइयों से बचना आसान हो जाता है इसलिए एक मुसलमान को इन महीनों से फ़ायदा उठाना चाहिए और अगर कोई फ़ायदा नहीं उठाता तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है هذا جابر رضي الله تعالى عنه فرماتين كي بيارة بيغم الله صلى الله عليه وسلم فرمايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا يا ربي الله صلى الله عليه وسلم نحجة الوداع मौका पर ख़िताब करते हुए इर्शाद फरमाए के कौन सा दिन ज़्यादा हरमत और आजमत वाला है तो सबा इकराम रिजवानल तजमा ने आर्ज़ किया कि हमारा यही दिन शाह आज़म हरमत कलु शाह हजा प्यारे फीगम फरमाए कौन सा महीना ज़्यादा आज़मत और हरमत वाला है تو إكرام رضوان الله تعالى اجمعين ہمارا یہ يا مرايز کا مهينا قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام हरमत अउम कुम हाजाफी शाहरी कुम हाजाफी बलधि कुम हाजा तो प्यारे, प्यारे ने फरमाया कि पास तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर तुम में से एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे इस महीने इस दिन और इस शहर की अजमत और हरमत है هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواية فرمتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا) (ألا إن أحرم الشهور شهركم هذا) ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال प्यारे बेगमर सल्ला ने हजतुलविदा के नौवीं या दसवीं तारीख को खुतबा देते हुए शाह फरमाया के ख़बरदार दिनों में सबसे ज्यादा असमत और हरमत वाला दिन तुम्हारा ये दिन है खबरदार महीनों में सबसे ज्यादा अज़मत और हरबत वाला महीना तुम्हारा ये महीना जिलहिज्जा है और ख़बरदार तुम्हारे शहरों में सबसे ज़्यादा अजमत और हरमत वाला शहर तुम्हारा ये शहर हरमे मक्का है खबरदार और तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे इस दिन की इस महीने की इस शहर की अजमत और हरमत है फरमाया ख़बरदार क्या मैंने अल्लाह का हुकम तुम तक पहुँचा दिया साहब सहाबा इकराममजवानल्लाजमी ने किया के बेशक अरे अल्लाह के रसूल सल् आपने अल्लाह का हुक्म पहुँचा दिया एक रवायत के अंदर फ़रमाया कि सिर्फ़ पहुँचाया ही नहीं बल्कि पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया तो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स फरमाया कि अल्लाह आप इस पर गवाह रही एक रवायत के अंदर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला तन फरमाते हैं कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सईदुशहूर शहर रमजान व आज़मुहा हुर्मतन ज़ुलहिज्जा फरमाया तमाम महीनों का सरदार रमजान मुबारक का महीना है और तमाम महीनों में ज्यादा मुआज़म मुकर्रम और मोहतरम ज़ुलहिज्जा का महीना है हज़रत काबा अख़बार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है فما يكي اختار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام واختار الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الهجة وأحب ذوي الهجة إلى الله العشر الأول واختار الله الايام فاحب الايام الى الله يوم الجمعه واختار الليالي منها فاحب الليالي الى الله ليله القدر واختار الله الساعات فاحب الساعات الليل والنهار الى الله ساعات الصلوات المكتوبات واختار الله الكلام فاحب الكلام الى الله لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله فرمى الله تبارك وتعالى نشير كوچنا جن مشل الله تبارك وتعالى کو سب سے زیادہ محبوب यानी वो शहर के जो हरम की हद में वाक़ मक्का मक्रमाएं और अल्लाह तबारक व ताली ने जुमानों को चुना जिनमें से अल्लाह तबारक व ताली को सबसे ज्यादा महबूब जुमाना अजमत वाले चार महीनों वाला जुमाना है और इन अजमत वाले चार महीनों में अल्लाह तबारक व ताला महबूब जिलेजा का महीना है और दिल्हिजा के महीने में अल्लाह तबारक ज्यादा महबूब पहला अशरा है पहले दस दिन है और अल्लाह तबारक वाली ने दिनों को भी चुना और दिनों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह तबारक वाल को जुम्मा का दिन है और अल्लाह तबारक वाली ने रातों को भी चुना जिनमें से अल्लाह तबारक वाल को सबसे ज्यादा महबूब लतकदर की रात है और अल्लाह तबारक वाली ने दिन और रात की सात और घड़ियों को भी चुना अल्लाह तबारक व इन साथ और घड़ियों में सबसे ज्यादा महबूब हैं वो हैं जो फर्ज नमाजों की हैं फ़र्ज नमाजों के अवकात हैं और फर्मय कि अल्लाह तबारक व ताल कलाम को भी चुना बस अल्लाह तबारक को सबसे ज्यादा महबूब कलाम ला इला अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाहमद्ल है बाजायत के अंदर इसका भी ज़िक्र है कि प्यारे, प्यारे, प्यारे ने फरमाया कि महीनों में रमज़ान के महीने को और ज़मीन के खेतों में से मसाजिद को चुना इसलिए झलहजा का महीना अजीम शान महीना है जो अल्लाह रबत ने हमें अता फरमाया और फिर इस महीने की जो दस दिन हैं इंतहाई कीमती दिन हैं इन दस दिनों के अंदर इबादत और नेकियों का उसूल के अंदर कोशिश करनी चाहिए लहज़ा का महीना अज़मत और शराफ़त वाले महीनों में से उन महीनों में से जिसको हरमत वाला महीना कहा जाता है तो फरमाया कि इन महीनों में इबादत और इत की ख़ास फजीलत बयान की गई है और इन इबादत में से रोज़ा भी इबादत है तो इसलिए फरमाया कि इस महीने के अंदर नफली रोज़ा रखना ये भी फजीलत है और फिर हरमत वाले महीनों के अंदर रोजा रखने का खास तौर पर अहदिस के अंदर जिक्र भी मिलता है बासफ़ ने फरमाया कि इन चार हरमत वाले महीनों के अंदर रोजा रखना मस्तहब और मंदूब प्यारे ने एक सहाबी को खिताब करते हुए इर्शाद फरमाया سم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فان بي قوه قال سم يومين قال زدني قال سم ثلاثه ايام قال زدني قال سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك वक़ालामाय के सबर यानी रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखो और हर महीने में एक दिन का रोज़ा रख लिया करो उन साबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मुझे इससे ज़्यादा की ताकत है लिहाजा मेरे लिए और इजाफा फरमा दीजिए आप आपल् ने इशाद फरमाया कि हर महीने में दो दिन रोज़े रख लिया करो फिर उस साहबी ने आर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मेरे अंदर इससे ज़्यादा रखने की क़वत और ताकत है लिहाजा मेरे लिए और इजाफा फरमा दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि हर महीने में तीन दिन रोज़ा रख लिया करो फिर उस साहबी नेर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए और इजाफा फरमा दीजिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया कि जो अशोर हरब में यानी ज़ीकायदी हिज्ज़ा और मुहरम और रजब कई महीना फरमाया कि इन चार महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ो और ये बात प्यारे पैगमर सल्स ने तीन मरतबा इरशाद फरमाई फरमाया कि सोम मिनलो में वत रुक सोम मिनल में वत सुमिनहर में वत रुक आप ने अपनी तीन उंगलियों से इशारा फरमाया और उनको साथ मिलाया और फिर छोड़ दिया फिर इशारा किया फिर छोड़ दिया फिर इशारा किया फिर छोड़ दिया यानी कि इन महीनों में तीन दिन रोज़ा रखो फिर तीन दिन नागा करो फिर तीन दिन रोज़ा रखो फिर तीन दिन नगा करो फिर तीन दिन रोजा रखो फिर तीन दिन नागा करो और इसी तरह से करते रहो तो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अदीज़ के अंदर इन चार हरमत वाले महीनों के अंदर रोजा रखने का जो तरीका बतलाया है पर मैं कि इसके ऊपर अमल करना हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है बल्कि हो सके तो हर महीने के अंदर जो अयाम बीज के रोजे हैं तीन दिन हर महीने के अंदर रोज़े रख लिया करे साल के अंदर पांच दिन ऐसे हैं कि जिनके अंदर रोजा रखने की इजाज़त नहीं है उन पांच दिनों के अलावा जब भी चाहे इंसान नफरी रोज़ा रख सकता है और वो पांच दिन एक ईद फितर का दिन है और दूसरा ईद अजहा का

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल में पाँच दिनों का रोज़ा रखने से मना फरमाया एक फितर का दिन और दूसरा ईद अजहा का दिन और तीन दिन अयाम तशरीक के यानी ग्यारह बारह और तेरह ज़िलहिज्जा के और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तुम से रवायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामि हादि अयाम सलासा यानीम तशरीक और मैं मैंने प्यारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन दिनों यानी अयाम तशरीक़ के रोज़ों से मना फरमाया और बाद के अंदर है कि ईद के दिन समेत अयाम तशरीक ग्यारहवीं बारहवीं और तेरहवीं झलहज्जा को खाने पीने के दिन करार दिया गया रमैला तुब फ़ी हादिल अयाम फ़ही हा अम अक्लिम अशुर्बिन और एक रवायत के अंदर एक भैया अयाम अकलम अशुर्बिन ये खाने और पीने के दिन एक रवायत के अंदर अल्फाज अला व इन्हा हादिल अयाम अयाबलीमशूरबिन वजल खबरदार हो जाओ ये दिन खाने पीने और अल्लाह रबुलज़त के ज़िक्र के दिन हैं और खाने पीने के दिन होने से इस तरफ इशारा कि इन दिनों में रोज़ा रखने के बजाय खाना पीना इबादत है वैसे तो जल्हजा का पूरा महीना जो है वो अपनी ज़ात में खैर और बरकत वाला महीना है लेकिन फरमाया कि इस महीने के जो इब्तदाई दस दिन हैं पहला जो अशर है ये खास फजीलत वाला अशरा है मैंने कुरने करीम की जो आयत करीमा शुरू में तलावत की थी जिसमें अल्लाह शाह फरमाते वालफर कसम फजर की वलयाल नाश और कसम है रातों की व शफवलवर और कसम है जुफ्त की और ताक़ की ईसात करीमल तबारक व कई चीज़ों की कसम खाई और रबलमिन जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो उससे मराद उस चीज़ की अजमत को और उस चीज़ की फ़जीलत को ज़ाहिर करना मकसूस होता है पहली चीज़ जिसकी सत्यत करीमा के अंदर कसम खाई गई वो फ़जर है इन सुबह सादक का वक़्त अब सुबह सादक से क्या मुराद है बाज़ात ने फरमाया कि हो सकता है कि इससे मुराद हर रोज की सुबह हो कि हर रोज जब सुबह सदक तलु होती है तो एक अजीम इनकलाब बपा होता है और अल्लाह इज़्ज़त की कुदरत कामिला की तरफ रहनुमाई की जाती है और वाद कि की भी मुमकिन है कि किसी ख़ास दिन की फजर मुराद होबन अब्बास रजी अल्लाह त फरमाते हैं वालफजर अला फजरहारी वलिया कला अशरज कसम फ़जर की यानि दिन की सुबह की और दस रातों की यानी ल के पेले अशर की दस रातों की और बात फरमाए कि इससे ख़ास दस हज्जा की फजर मुराद है दूसरी चीज़ जिसकी कसम खाई गई है इस इनायात कि अंदर वो वलयाल नाशर दस रातें अज़ मुफसरीन में से हजरत इब्नि अब्बास रजी अल्लाह तजर कत हजरत मुजाहिद अजरत सद्दी हजरत जहाक और अजरतलबी रही महमुल्ला फरमाते हैं कि इन दस रातों से मुराद हज्जा की इब्तदाई दस रातें इसलिए कि अहादीस के अंदर इन दस रातों की बड़ी फजीलत आई है इसके साथ साथ फिर तीसरी जो कसम है वो शफा और वतर शफा के लुकी माने जोड़ के हैं जिसे उर्दू में जुफ्त कहते हैं और वतर का माना ताक के हैं अब शफा और वतर से क्या मुराद है इसके बारे में मुबसरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं, बाज़ ने जुफ से ईद अला का दिन और ताक से अरफा का दिन जो है वो मुरादली है जाबिर रजी अल्लाह तन से रवायत है कौल रसूल आशरती वलम अरफ़ा व शफ़ी योमन्ना प्यार फरमाया कि कसम फ़जर की और दस रातों की यानी ज़िल हिजा की दस रातों की और कसम ता की यानि अरफा के दिन की और कसम जुत की यानि ईद अज़ा के दिन की هذا <applause> جابر رضي الله تعالى عنه في روايت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى والبتر يوم عرفة والشفع يوم النار رما يبيا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاف ما مراد الحجة كا پيلا عشر ہے اور سے مراد يوم عرفة ہے اور جف سے مراد عيد الاسخاء کا دن ہے قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله

सामाईकमान तजमा न्याज़ किया है अल्लाह के रसूल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़ है तो प्यारे फिगो मुसलम ने इशा फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़ है मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर अल्लाह रबल इज़्ज़त के रास्ते में निकला और फिर उनमें से कोई चीज़ भी वापस ले करके न लौटा बल्कि सब को अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान कर दिया जान को भी और माल को भी هذا <تصفح> ابن عباس رضي الله تعالى عن مذكر وعدك الفادي ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأزحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وَمَالِي فلم يَرْجِهْ من ذلك بشيء قال وكان سعيد بن جبير اذا دخل ايام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه فما الله عز وجل كنزيك عمل زياده باكي زاور اجر زیادہ زياده نہیں उस नए अमल के मुकाबले में जिसको इंसान दिल हिज्जा की पहले अशरे की अंदर करता है अर्ज़ किया गया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी अफजल नहीं है तो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फर्माया जल के रास्ते में जिहाद करना भी इससे अफजल नहीं है सवाए उस आदमी के जो अपनी जान और अपना माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकला

ذل الحجة قبل عشر كي يدني قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما سرعته كان النبي صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں قال ما من أيام اعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيه من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ओकमा सलाम फरमाया प्यार ने शाद फरमाया कि कोई दिन मी अल्ला तबारक वाली के नज़दीक ज़्यादा अजीम और ज़्यादा पसंदीदा नहीं है जिनमें कोई अमल किया जाए झलहजा के इन दस दिनों के मुकाबले में तो तुम इन दस दिनों में तहलील और तकबीर और तहमीद की कसरत किया करो قال <سؤال> ابن عباس رضي الله تعالى في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر فاكسروا فيهن التسبيخ والتكبير والتهليل فما يا بياري رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فرمى دين من الله تبارك وتعالى كنزيك ज्यादा अजीब और ज्यादा पसंदीदा नहीं है जिनमें नक अमल किया जाए हज्जा के दस दिनों के मुकाबले में इसलिए तुम इन दस दिनों में तस्बीर और तकबीर और तहलील की कसरत किया करो यानी कसरत के साथ तुम लाका अल्लाह अकबर अलहमदल्लाबहान ला कविर किया करो जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तै की अजमत उसकी बड़ाई उसकी तोहैद और उसकी सना बयान की गई तो फरमाया कि अशर दिल हिज्जा इंतहाई फजीलत का हामिल है। और इसमें कसरत के साथ इन तस्बीहात का अहतमाम करना चाहिए और इन तस्बीहात के साथ साथ दीगर अजकार का और दीगर इबादत का अहतमाम करना चाहिए इसलिए कि अल्लाह तबारक व कुरान करीम के अंदर फरमाएल्लाफी अयाम मालूम के इन चंद मुकर दिनों के अंदर तुम अल्लाह का नाम लो और अल्लाह का ज़िक्र करो और इन अयाम मालूम के बारे में बाज व फरमाते हैं कि इससे मुराद अशराए झलहजा के यही पहले दस दिन बाद रवायात में ईद उ के दिन से पहले झलहज़ा के पहले आशरे में नफ़ली रोज़ा रखने की भी अजीम फज़ीरत बयान फरमाई गई है इसलिए जिसे अल्लाह रब्ज़त क़वत दें ताक़त दें और उनसे हो सके तो वो इन नौ दिनों के अंदर रोज़ा भी रख लें कि इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना मस्तहब है जबकि इनमें से नौवीं झ़ा का जो रोज़ा है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है इसलिए इन दिनों के अंदर गैर ज़रूरी ताल्लुक़ से हट करके अल्लाह अल्लाहब की इबादत की अंदर और उसकी इताद के अंदर पहले से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए मौजूदा हालात की वजह से लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही आना जाना एक दूसरे के पास कम हो गया है तो इसलिए इन दिनों से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह तबारक व तै की याद के अंदर मशहूर रह करके ज़िक्र के अंदर फिक्र के अंदर तस्बीहात के अंदर तलावत के अंदर और सदका ख़ैरात के अंदर इस्तफ़ार के अंदर दुआओं के अंदर इन दिनों को गुजारना चाहिए और अपने नेक आमाल के अंदर इजाफा करके अल्लाबले का क़ुरब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह रबित मुझे भी और आपको भी तमाम सुनने वालों को इसके ऊपर अमल करने की तोफ़ी नशीब फरमाए सुबह फिर